से प्रभावित राशि है, गुरु की जो है वो मूल त्रिकोण राशि, सर इसका चिन्ह क्या है? ये भी अग्नि तत्व की राशि है। सर इसका चिन्ह क्या है? इसका जो है प्रतीक चिन्ह है आधा प्रतीक आधा मनुष्य और आधा पशु। सर जो है ऊपर मनुष्य का है और नीचे घोड़े का था, बहुत प्रभावशाली होते हैं धनु राशि के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मानव अलग होता और घोड़ा जो है वो अलग होता, घोड़े से अधिक रफ्तार किसी की नहीं होती और मानव से अधिक बुद्धि किसी में नहीं, तो दोनों का एक में ही मिश्रण है और वो भी धनुष बाण लिए हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयत्नशील। लेकिन अग्नि तत्व से प्रभावित राशि है इसीलिए गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं, स्पष्टवादी होती है, जो भी चीज किसी ने किसी की भी बात हो स्पष्ट रूप से कह देते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे। और इसी कारण जो है लोग इन्हें पसंद भी नहीं करते कई बार। अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते हैं। और इनका जो है भौतिक लक्षण जो है सुंदर सुविकसित आकृति, बादामी आंखें, भूरे बाल, घनी और ऊंची भौहें, लंबा चेहरा, लंबी नाक, सुंदर आकृति, चाल सीधी नहीं होती, मोटे होंठ, नाक, कान और दांत जो है वो मोटे होते हैं। और इनके अन्य गुण जो है स्वतंत्र विचारधारा होती है, दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, इनके ऊपर कोई कोई भी भरोसा कर सकता है। लेकिन कमी एक ही कि जो भी बोलते हैं मुंह पे बोल देते हैं और वो दूसरे को सही नहीं लगती, इसलिए कई बार पसंद नहीं करते, इस वर्ग के भक्त होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये तो सेम हो गए तो क्वालिटी। और अतींद्रिय ज्ञान युक्त, बात की तह तक शीघ्र पहुंच जाते हैं। आंखें सर, ये अतींद्रिय ज्ञान क्या होता है? अतींद्रिय ज्ञान ये जो है बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं कि गहराई से ज्ञान को समझने वाले होते हैं। अतींद्रिय जिसको कोई समझ नहीं पाता उस चीज को भी समझ लेते हैं। आंखें जो है इनकी कमजोर हो जाती हैं कई बार और कुबड़ापन भी संभव है। न्यायप्रिय होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, परंपरावादी, व्यवसायिक दृष्टिकोण। ये जो है धनु राशि वणिक प्रवृत्ति की राशि है, ये लोग जो है व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। कभी कभी बेचैन और चिंतित भी हो जाते हैं। दोहरी मानसिकता, दोहरी मानसिकता इसलिए कहा गया क्योंकि धनु राशि जो है द्विस्वाभाविक राशि है और हरफन मौला। हरफन मौला मतलब क्या? खुश रहने, हरफन गुण संपन्न, मतलब सब चीज में हरफन मौला, ये उर्दू का किसी बात की चिंता ना रखना। अच्छा,
हाँ सब चीज में निपुण होना है ना सर, मतलब एवरीथिंग इज ऑल, मतलब फाइंड करना कि मैं इसको कर सकता हूँ या मैं इसको पा जाऊंगा या मैं इसके लिए मेहनत कर सकता हूँ। अच्छा, इस विश्वास, विश्वास होता है, इसे विश्वास कहा जाएगा। प्रत्येक विषय सीखने को इच्छुक होते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, कानून का पालन करने वाले अदालतों से दूर रहते हैं, लगभग किसी चीज में उलझना कम पसंद करते हैं, सादे जीवन से प्रसन्न, समय के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, कला और काव्य के प्रेमी, सृजनात्मक प्रतिभा के धनी होते हैं, कानून का पालन करने वाले होते हैं, अदालत के पचड़ों से दूर रहते हैं, पराविद्या और दर्शन शास्त्र में रुचि होती है, ये लोग जो है भौतिक सुखों का, बहुत ज्यादा भौतिक सुखों में नहीं पड़ते और कार्य में सफाई, सुव्यवस्था, संबद्धता, अनुशासन और परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास इनका उत्तम होता है, हाथ के कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, सरकार से सहयोग मिलता है, विरासत में जायदाद प्राप्त करते हैं। वह स्थान जहां पे घोड़े, हाथी या रथ, मोटर कार रखे जाते हैं, राजा का निवास, ये पहले के समय की बातें थी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि स्थान जहां पर हाथी घोड़े, आज उनकी जगह पे आप मोटर कार को ले सकते हो, रखे जाते हैं, मतलब इन सब सब चीजों का जो है इन्हें सुख प्राप्त होता है। राजा का निवास, पाप राशि तो नहीं है, धनु राशि जो है शुभ राशि, पुरुष राशि, दिन बलि है, पृष्ठोदय, पृष्ठ से उदित होती है, लंबा चेहरा और गर्दन, कान तथा नाक बड़े होते हैं, अत्यधिक उदार होते हैं, अच्छे दिल वाले, भौतिक संस्कृति को पसंद करने वाले, यात्रा पसंद करते हैं, ऊंची आवाज आदि लक्षण के होती है, ऊंची आवाज में बात करते हैं, अध्यापक, वक्ता, वक्ता गुरु, धर्म गुरु या न्यायाधीश, वकील आदि होते हैं, क्योंकि धनु राशि का संबंध गुरु से, गुरु ज्ञान का कारक है, तो इन चीजों का विचार गुरु से किया जाता है, तो धनु भी जो है वो गुरु से प्रभावित राशि। सर ये पृष्ठोदय क्या है, पृष्ठोदय क्या होता है? पृष्ठोदय ये आगे वैसे पढ़ेंगे, नहीं लिखा है ना दिन बलि पृष्ठोदय, ये क्या चीज है? पृष्ठोदय जो होता है वो पृष्ठ से उदित होती है राशि, शीर्षोदय होता है और उभ्योदय होता है, तीन मतलब पृष्ठ से उदय होती है, मतलब पृष्ठ क्या चीज होती है? पृष्ठ होता है शीर्षोदय, वो सिर से उदित होती है, पैरों से उदित होती है, तो ये पैरों से उदय होती है। जी जी। और दिन बलि मतलब? दिन बलि ये दिन में बलि होती है, दिन में बलि होते हैं। संभावित रोग, साइटिका, गठिया का दर्द, कूल्हे की हड्डी टूटना या फेफड़ों की व्याधि आदि होते हैं, मतलब इन राशि वालों को ये रोग होते ही होते हैं? ऐसा नहीं है, ये रोग हो सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं। और इसके बाद है मकर राशि। एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर अगर किसी की लगन अग्नि तत्व का हुआ, फायर साइन का, और राशि वाटर साइन की हुई, तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा ना, अगर वायु तत्व के साथ हो उसका मैच, तो दोनों का डिफरेंट रिजल्ट आएगा बंदे पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इफेक्ट आएगा अगर मेष अग्नि तत्व के साथ पानी हो और अग्नि के साथ वायु हो, तो सर क्या इफेक्ट आएगा उसका? देखिए अग्नि अग्नि के साथ वायु होगी तो जो वायु है वो अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। तो सर इसमें तो फिर हमको ये ध्यान रखना पड़ता होगा
सब जब लड़का लड़की की शादी हो रही हो तो सर उसकी तत्व राशि भी देखनी पड़ती होगी, अगर वो वायु हो होगा और वो अग्नि होगी तो उसको बढ़ा देगी, तो ये देखना पड़ेगा। जैसे अग्नि तत्व की राशि है कि वायु तत्व की राशि है, तो चीजें आपस में बनेगी नहीं, दिक्कत होगी। वायु जो अग्नि को बढ़ाने का काम करेगी। ये कॉम्बिनेशन भी आप अभी बताएंगे क्या सर हम लोग को, ये कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए तो उसका कुछ परिहार है कि नहीं है सर? इसका परिहार तो देखिए पहले ही है परिहार की, जब कुंडली मिला है तो उस चीज को देख लें पहले। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है सर, लग्न अलग होता है और राशि भी अलग होती है, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं लग्न और राशि दोनों सेम मिलती है। तो अगर मान देखा जाता है उसमें राशि को देखा जाता है। अच्छा, शादी में राशि वाली तत्व को देखा जाता है क्या सर? राशि को देखा जाता है। तो राशि का तत्व क्या है वो देखा जाता है? जी, वहां पे राशि का देखा जाता है। ठीक है सर। तो जो मकर राशि है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मकर होता है मगरमच्छ। मकर राशि के लोग जो होते हैं वो रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। मकर राशि रहस्यात्मक राशि है। ये लोग जो है बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाते हैं और कई बार निराशा में चले जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। अगर किसी चीज की ने प्राप्ति नहीं होती तो जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी या तो ये निराश ही रहेंगे या तो जीवन में इनके उस तरह से निराशा आ जाती है। और थोड़े से एक कंजूस प्रवृत्ति के भी होते हैं। वैसे तो दार्शनिक राशि है, बुद्धिजीवी होते हैं यदि शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो मकर राशि का जो भौतिक लक्षण है वो है दुबला पतला शरीर। उम्र के साथ जो है वो स्वास्थ्य सुधरता है। बाल्यकाल में लोग बीमार ज्यादा रहते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्वास्थ्य में सुधार होता जाता है। बड़े दांत, बड़ा मुख, नाक विशिष्ट रहती है और बाल काले और मोटे होते हैं। चेहरा जो है पतला और अंडाकार, उबड़ी कमर, घुटनों पर मस्सा या निशान, मगरमच्छ के समान जबड़े। मकर राशि के लोगों के जैसे इन्होंने बताया कि बड़े दांत, बड़ा मुख या बड़ी नाक, इस तरह से देखा जाता है और लघु मस्तक, दाढ़ी में बाल कम रहते हैं। और इनके जो गुण हैं ये मित्तवही होते हैं, वे कम करते हैं, थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, विचारशील होते हैं, विचारों को विचारशील होते हैं अर्थात दार्शनिक होते हैं, अपनी बातों को घुमा फिरा के कहते हैं और उत्तम विवेक शक्ति होती है। सत्ता प्रेमी होते हैं, आत्मनिर्भर, बुद्धिजीवी, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलने पर निराश ही रहते हैं। संसारिक कार्यों में तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, ईमानदार और निष्कपट होते हैं, शक्ति के आगे अडिग रहते हैं, परंतु सजनता और मित्रता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। संगठन क्षमता इनकी उत्तम होती है, कठिनाई में भी किसी से सहायता के लिए नहीं कहते, वाक शक्ति में बाधाएं रहती हैं, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते। उच्च और सामाजिक पदों के लिए उपयुक्त होते हैं। और तकनीकी और वित्तीय कार्यों में सफल होते हैं। नवांग तुक्कों के साथ मित्रता में स्थिरता रखते हैं,
नए लोगों के साथ जो है मित्रता करने में मित्रता कम करते हैं और पुराने मित्रों से अच्छे संबंध होते हैं। प्रेम प्रसंग में रुचि कम होती है पर परिवार और सज्जनों की उत्तम देखभाल करते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्तियों से बातचीत में स्थिर और अति सावधान रहते हैं। स्वयं से वरिष्ठ आयु के विपरीत लिंग व्यक्तियों से संबंध स्थापित करते हैं। देखिए एक चीज बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, जैसे कि सप्तम भाव कुंडली में शनि हो या मकर राशि में शनि हो, कुंभ राशि में हो या किसी भी राशि में, तो लगभग जो है जो जिससे भी शादी करते हैं वो उनसे उम्र में ज्यादा होता है। लड़का होगा तो लड़की जो है उम्र में ज्यादा होगी और लड़की होगी तो लड़का उम्र में बहुत ज्यादा होगा। मतलब मकर राशि वाला अपने से उम्र की ज्यादा के लड़का या लड़की से शादी करता है? राशि वाला नहीं, सप्तम भाव में अगर शनि की स्थिति हो। अच्छा, सप्तम भाव में शनि हो और राशि भी मकर या कुंभ हो तब होता है क्या सर? मकर या कुंभ हो जाए तो चीजें लगभग घटित होंगी ही, और नहीं हो तो नहीं होता है। तब भी स्थिति तो बनती है। और ऐसी चीजें जैसे हमने कुंडलियों पे जो भी रिसर्च किया तो उसमें ये बहुत अधिक पाया गया। तो मतलब अगर शनि देखता रहे तो शनि दृष्ट करे तो अभी चीज नहीं होती, केवल उसमें विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। जी। सर मैंने अभी एक कुंडली देखी थी, उनकी आयु 34 वर्ष हो गई और शनि सप्तम भाव में बैठा है, उसके तक शादी नहीं हो पा रही है सर उसकी। बिल्कुल, ये तो आयु में जिस सप्तम भाव का शनि विवाह में भी विलंब करता है। और अगर अपनी राशि का होता तो विवाह तो जल्दी हो जाता, पर फिर जो है वो लाइफ पार्टनर जो है उनको अपनी उम्र से अधिक मिलता। सर सप्तम में बुध होता तो भी विवाह डिले होता है क्या? विवाह में सप्तम में बुध हो, नहीं बुध से तो नहीं होता, पर बुध अगर पीड़ित हो या किसी तरह से ऐसी या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, अब किस प्रभाव में है वो तो वो चीज उस पर निर्भर करेगी। ओके सर, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी बताइए। जैसे आपने ये कहा कि शनि सप्तम में होता है तो जीवन साथी में अंतर होता है आयु में, या तो वो बड़ा होता है या तो देखने में बड़ा लगता है कई बार, ये भी स्थिति है। नहीं, आयु का जैसे मान लीजिए देखने में बड़ा लगता है लेकिन रियल में भी बड़ा होता है, ये तो मैंने देखा है। लेकिन मुझे ये पूछना है कि कई बार शनि सप्तम में जीवन साथी जो है 1-3 वर्ष छोटा या 1-7 साल डिफरेंस होता है, ये क्यों होता है? 3 वर्ष या 7 वर्ष ये तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है। पराशर होरा में मैंने पढ़ा था तो मैं उसके तर्क पर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा आखिर उसमें क्यों? सारे योग दिए हुए जो आपको प्रैक्टिकली चीजें सामने आती हैं वो आपका एक पक्की हो जाती है चीज की, नहीं ऐसा हो रहा है। तो शनि मतलब शनि ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को जीवन साथी बड़ा ही दे सकता है, कहने का मूल कि शनि सप्तम में बैठा है तो आयु में बड़ा भी हो सकता है जीवन साथी और छोटा भी हो सकता है, कहने का मतलब वो था वहां पर। हाँ हाँ, पर वैसे ज्यादा इसकी भी वजह है क्योंकि शनि जो है वो वृद्धावस्था का कारक है, तो इसीलिए जब बैठता है तो उनका प्रभाव पड़ जाता है, तो इस वजह से ये चीजें देखने में आती है। अच्छा, मतलब ये ग्रह की डिग्री पर पता चलेगा कि वो शनि किस डिग्री में बैठा हुआ है या किस राशि के साथ बैठा हुआ है, ये चीज हो गया। इसमें डिग्री का कोई वो नहीं है वैसे तो, कि सप्तम में बैठा हुआ है तो वो प्रभावित करेगा उसको, और वो तो डिग्री तो उसकी बलाबल को देखने के लिए है कि वो कितना। अब मान लीजिए कि शनि जो है शुक्र के साथ बैठा हुआ है। जी जी। और बृहस्पति मकर राशि में नीच का है, ठीक जी जी। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी? सप्तम में शुक्र और शनि इकट्ठे हैं। हाँ, इकट्ठे हैं।
और बृहस्पति नीच राशि में बैठा हो, हाँ, तो उसमें जो है वो विवाह में विलंब की स्थिति बनेगी। हाँ ठीक है, तो आयु का फैक्टर इसमें कुछ आएगा गुरुजी? आयु का मतलब किस तरह से कि आयु, अच्छा बड़ा जीवन साथी जो है, जीवन साथी की आयु में अंतर होगा क्या? उसमें ऐसा है कि वहां पे शुक्र की स्थिति भी है, तो शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, तो ऐसा कम देखा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपर अकेला शनि के होने से चीज बहुत अधिक देखी जाती है। अच्छा ठीक है सर, यही होता है ना कि अगर लड़के लड़की को शादी करनी है तो उसको गुरु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, मतलब गुरु और लड़के को करनी होती है तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, यही होता है ना सर? देखिए शुक्र का जो है लड़की के लिए देखा जाता है शुक्र, और लड़की की कुंडली में गुरु को देखा जाता है, लेकिन विवाह करवाने वाला जो ग्रह है वो गुरु है, वो दोनों के लिए गुरु है, दोनों के लिए गुरु है। ओके, शादी की जो स्थिति बनेगी वो गुरु से ही देखी जाएगी, पर जो विवाह के बाद की स्थिति है या लड़की के विषय में देखना है तो शुक्र से देखेंगे कि शुक्र की स्थिति कैसी है, तो लड़की की स्थिति का पता चल जाएगा। और अगर लड़की ने लड़के की स्थिति देखनी तो बृहस्पति को देख लीजिए, बृहस्पति प्रबल हो तो सीधी सी बात है लड़का अच्छा हो। तो मकर राशि यहाँ पे पहुंचे थे हम, जैसे जलीय स्थान होते हैं बहुत मात्रा में पानी वाले स्थान, नदी के किनारे, पृष्ठोदय राशि और स्त्री राशि, निचले अंगों में कमजोरी बलवान होते हैं। मकर राशि जो आती है हमारी घुटनों पे आती है लगभग, अच्छा, तो इसीलिए जब ये शनि पीड़ित हो तो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम रहती है।